क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि आप चाहते हुए भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाते, नेगेटिव थिंकिंग को रोक नहीं पाते? हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, आनंद से भरा रहे, पॉजिटिविटी से भरा रहे, लेकिन कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं? ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि उनमें कोई ना कोई परेशानी में हमेशा रहते हैं। तो कभी मैंने ये सोचा कि आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने इस पर गौर करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने ये पाया है ख़ुद को लेकर कि मैं बहुत लंबे समय से इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग में नहीं पड़ा हूँ। मुझे हमेशा मैं पॉजिटिविटी से भरा रहता हूँ। मुझे हर चीज़ में बहुत आनंद आता है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत मज़ा लेता हूँ, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो दोस्तों से बात करने को लेकर हो, चाहे वो परिवार में लोगों से बात करने को लेकर हो, चाहे वो अनजान लोगों से बात करने को लेकर हो, चाहे वो प्रकृति के साथ रहने को लेकर हो, पेड़ों को देखना, चिड़ियों को सुनना, सूर्योदय को देखना, कुछ भी मैं काम करूँ, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, हर काम में एक खुशी, एक आनंद, एक बबली, यू नो, बबलीनेस, यू नो, आप हमेशा मैं फील करता रहता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यार ये चक्कर क्या है, मतलब व्हाई इज दैट कि आई डोंट गेट दोज काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्स जनरली पीपल टॉक अबाउट। तो फ़र्क मेरे को एक चीज़ में ये लगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेडिटेशन यानी कि ध्यान नहीं करते। सारा का सारा जो मेरे जीवन में जो पॉजिटिविटी आ रही है वो बेसिकली ध्यान करके आ रही है। मैं कम से कम 20 मिनट का तो ध्यान करता हूँ रोज़, और दिन भर में भी छोटे छोटे एक दो मिनट की ध्यान कर लेता हूँ। ध्यान करने का बेसिकली क्या है कि सांस पर आप ध्यान ले आते हैं, सांसों के साथ हो जाते हैं। सांस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आपका जीवन, आपके प्राणवायु, तो सांस के साथ होना एक दो मिनट के लिए भी एक दिन से आपको एक बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है। आप एक सब माया जो आप विचार छोड़ देते हो, आप जो सोचने की प्रोसेस चल रही होती है, और अचानक से आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो जो लोग ध्यान नहीं कर पाते उन लोगों के लिए समस्या आती है कि वो बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स को रोक नहीं पाते हैं, यू नो। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो उसके साथ साथ ऑब्वियसली यस कि उसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो दौड़ना भागना या एक्सरसाइज करना, योगा करना, अच्छा भोजन करना, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन जो इफ़ेक्ट ध्यान का होता है वो दूसरी चीज़ों का इफेक्ट नहीं हो पाता। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके जीवन में ऐसा हो कि हर वक्त आप बिल्कुल बुलबुले की तरह, मतलब एकदम से हर रंगीन, यू नो, बुलबुले की तरह आपका जीवन हो, मतलब रंग बिखेरता हुआ, कोई वजह नहीं हो आपके जीवन में ऐसी कि जिसके बारे में आप सोच के आप परेशान हो। और असल में जो है बहुत सूक्ष्म स्तर पर जब हम जाते हैं सोचने में, जो सूक्ष्म स्तर है ईगो जो है बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। ध्यान आपको वो सूक्ष्म स्तर पर लेके जाता है। ध्यान क्या करता है कि आपको बहुत छोटी छोटी फीलिंग्स को महसूस करने की ताकत देता है, यू नो, और आपको ये समझ में आता है कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग, आप जो अच्छा फील नहीं कर रहे वो उसकी वजह क्या है, वो वजह आपको समझ में आ जाती है। ध्यान, यू नो, अलर्ट करता है ध्यान आपको, अवेयरनेस आपकी बढ़ाता है दिन भर। माइंडफुलनेस किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो मेडिटेशन अभी आजकल वो माइंडफुल मेडिटेशन का बहुत नाम चल रहा है, वो बेसिकली यही है। आपको पता चल रहा होता है कि आपने किसी के बारे में ऐसा सोचा इसलिए आपको नेगेटिव फीलिंग आई, आपने ऐसा सोचा या आपने ऐसा किया इसकी वजह से आपने ये आप ऐसा निराश फील कर रहे हैं। तो जब आपको वजहों का मालूम चलता है, देखो कॉज एंड इफेक्ट आपको पता है कि जब आपको इफेक्ट को दूर करना है तो इफेक्ट अपने आप दूर नहीं, उसके लिए कॉज को दूर करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन आपको एक ऐसी काबिलियत देता है कि आप चीज़ों को समझ पाते हो, यू नो, आपके माइंड के ऊपर आप पहुंच जाते हो, और यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर माइंड कि माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, इसलिए कोई थॉट आपको पकड़ नहीं पाता है। सारा का सारा खेल जो है वो थॉट का है, यू नो, थॉट मतलब नेगेटिव थॉट तो आप नेगेटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव थॉट तो पॉजिटिव इमोशंस। अभी लेकिन आप सोचेंगे कि थॉट को कंट्रोल कौन करता है, तो थॉट तो मतलब घूमते रहते हैं, थॉट तो कई तरह के आते हैं। मेडिटेशन आप में ये काबिलियत देता है कि आप इस चीज़ को पहचान लो कि आप में ये नेगेटिव थॉट आ रहा है, और ये समझ पाना, समझ लेना कि आप में नेगेटिव थॉट आ रहा है, इतना ही पर्याप्त है उस नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर, मैं
आई मीन कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं बताता आपको जो कि मैंने खुद अपने जीवन में नहीं किया हो। मैं डेली कम से कम मेरा 40 मिनट का सेशन रहता है मेडिटेशन करने का, लेकिन यस कई बार मेरे पास काम बहुत ज़रूरी आते हैं तो मैं उसको छोटा कर देता हूँ। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नियम बना दिया तो उस नियम का 100% पालन होना चाहिए। हैबिट्स जो है हैबिट से बचना है, चाहे वो नेगेटिव हैबिट्स हो चाहे वो पॉजिटिव हैबिट्स हो। फ्री माइंड, एकदम फ्री माइंड, आपको अपने ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन का रोज़ का बना लीजिए, मतलब मैं कह रहा हूँ 10 ही मिनट का ही बनाइए, 10 मिनट में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना कुछ नहीं, लोग सोचते हैं उसकी कोई विधि है, कोई विधि नहीं है उसके लिए। 10 मिनट आप बैठिए चुपचाप, हाथ सुखासन में बैठिए और बस दोनों आँखों के बीच की जो आपकी तीसरी आँख है शिव की, वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए और 10 मिनट में सांसों को सम होने दीजिए और बॉडी को बिल्कुल बचलाइए। बॉडी को ऐसा कर दीजिए जैसे कि पत्थर की बॉडी है, मतलब पत्थर की मूर्ति बन जाइए आप बस। और 10 मिनट अपने आप आपकी सांसें हल्की होती जाएंगी, कम होती जाएंगी और क्या बोलते हैं, और आपको अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मुझे ये मक्खी जो मैंने भगाई, इसका एक किस्सा मुझे याद आया कि गौतम बुद्ध एक बार आनंद के साथ जा रहे थे जंगल में, तो उन्होंने ऐसी मक्खी आई तो उन्होंने ऐसे कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद कुछ दूर आगे गए तो उन्होंने फिर उसके बाद हाथ ऐसे किया उन्होंने, तो आनंद ने बोला कि अभी ये आपने हाथ ऐसे क्यों किया। उन्होंने कहा कि जो पीछे जो मक्खी मैंने भगाई थी वो अनकॉन्शियसली भगा दी थी, मतलब हाथ ऐसे कर दिया था, तो अभी जो है मैंने वो उसको अभ्यास किया कि कैसे मेरे को कॉन्शियसली हाथ करना है। तो जीवन में सारे काम कॉन्शियसली करने के लिए, बोध के साथ करने के लिए, होश के साथ करने के लिए आपको ध्यान करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। ध्यान कीजिए और जीवन को बदलिए।